Are you an extrovert personality person or you are an introvert personality person? You have extroverts. You will not have and tomorrow if you start a business, tomorrow you will start a business, tomorrow entrepreneurship, tomorrow you Ladies and gentlemen, welcome to this great special talk session. आज की बात बहुत ख़ास होने जा रही है आज क्योंकि पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन पर्सनालिटी टाइप्स की बात होने जा रही है लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल व्यक्त करूंगा जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये मेरे हाथ में ग्लास है ये पूरा ग्लास खाली है ये बॉटल में पानी है अब इस ग्लास में मैं इस बॉटल का पानी डालता हूँ और ये जा रहा है ये ग्लास जो है अब भर चुका है नाउ यू विल फील दैट दिस ग्लास इज फुल नाउ ये ग्लास भर गया है अब अगर इस ग्लास में मैं और थोड़ा सा पानी डालूंगा तो पानी गिरने लगेगा और वो किस दिशा से गिरेगा ग्लास के किस डायरेक्शन में जाएगा आई डोंट नो यू डोंट नो ना मुझे मालूम ना आपको मालूम सो वट इज द इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है समझना इफ आई हैव स्टोर्ड जस्ट दिस ग्लास विद द वॉटर वट आई नीड टू डू आई नीड टू टेक दिस ग्लास लेना है और इसको और जब मैं पीऊंगा तो यह गिलास खाली होगा और जब ग्लास खाली होगा तो इस ग्लास में मैं और पानी डाल सकता हूं लेकिन अगर ग्लास फुल है और मैं इसमें पानी डालने की कोशिश करूं तो इट इज इंपॉसिबल टू स्टोर वाटर इन दिस ग्लास दैट्स वाई यू नीट टू कीप इन योर माइंड दैट की आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है लिटी पर्सन और यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी पर्सन यू हैव एक्सट्रो वर्जन और यू हैव इंट्रोवर्जन आजकल दुनिया बहुत ज्यादा जो है इंट्रोवर्जन की तरफ भाग रही है आजकल लोग आइसोलेशन में है आजकल लोग क्वारेंटीन में है पीपल आर नॉट शेयरिंग नॉट केयरिंग नॉट सोशलाइजिंग नॉट दे डोंट हैव इंटरपर्सनल स्किल्स देव एक्सट्रो वर्जन यू नो दिस इज एक्चुअली अफेक्टिंग दिम अ लॉट ये उनको पूरी तरीके से क्या कर रहा है अफेक्ट कर रहा है तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक्सट्रोवर्ट बना जाए कैसे सोशल बना जाए कैसे इंटरपर्सनल बना जाए कैसे कम्युनिकेटिव बना जाए कैसे लोगों से कनेक्ट किया जाए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो उसी तरीके से हमारे साथ क्या होता है कि द मोमेंट वी एक्चुअली यू नो सिंस चाइल्डहुड बचपन से वी स्टोर डेटा हम अपने दिमाग में मस्तिष्क में सोच में एक डेटा स्टोर करते हैं स्टोर होते होते, होते हो। so जब हम 20 साल के हो जाते हैं और हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा डेटा ऑलरेडी स्टोर हो चुका होता है एंड वी डोंट शेयर टू एनी हम किसी से शेयर नहीं करते हैं और डेटा पे डेटा इसी ग्लास के पानी की तरह पानी भरता जाता है और उसके बाद पानी ग्लास फट के पानी इधर उधर से निकलना चालू हो जाता है व्हाट वी नीड टू एक्चुअली स्टोर इन आवर माइंड वट यू नीड टू कीप इन आवर माइंड और इन योर माइंड यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट You have to store data, but as well as you have to share the data. And how to be extrovert, kaise extrovert bana jai, we actually need to keep in our mind. I just would like to tell you one of the greatest example in incident of my life. Once I went to a bhuttawala right, that Balwala. And when I went there, the moment I just started interacting with that, I just went at his thela wala, at his thela, at his ready. And what happened that time, he just said, oh, welcome, sir.

क्योंकि हिज कम्युनिकेशन वॉज एक्चुअली इंपैक्टफुल एंड डोमिनेटिंग सो दिस इज द थिंग वी हैव टू एंड वी नीड टू कीप इन आवर माइंड एट द टाइम ऑफ इंट्रैक्टिंग समबडी एंड नाउ इट इज वट वी आर लुकिंग आजकल हम क्या देख रहे हैं आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोग शांत बैठे हुए हैं किसी से बात ही नहीं कर रहे कोई आ रहा है चला जा रहा है हम बात ही नहीं करेंगे हम तो अपने मस्त हैं आई एम ओके ठीक है मेरे घर में रिश्तेदार नहीं बात करेंगे कहीं जा रहे हैं कहीं बात ही नहीं करेंगे किसी से बोलेंगे ही नहीं किसी से इंट्रैक्ट ही नहीं करेंगे सोशलाइज ही नहीं करेंगे जब आपकी ये आदत नहीं रहेगी एंड टुमारो इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस कल को आप एक व्यापार शुरू करें कल को आप एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें कल को आप एक स्टार्टअप शुरू करें कल, करे, कल को आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएं विल पीपल इंट्रैक्ट टू यू क्या आपसे पीपल इंट्रैक्ट करेंगे नो पीपल विल नॉट इंट्रैक्ट यू बिकॉज यू आर लेस सोशल यू आर इंट्रोवर्ट

ठीक है आई एम जस्ट डूइंग स्टडीज मैं स्टडीज कर रहा हूं एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैं सोशलाइज होगा बट इन जनरल लाइफ रियल लाइफ व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट और ये एक्सट्रोवर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है टोकेटिव चैटी वर्बोस गैरुलस सरकमलोक्यूशन इस एक्स्ट्रोवर्ड एक्स्ट्रोवर्जन का मतलब है सोशलाइज करना इस एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब है इंटरपर्सनल होना इस एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब है कम्युनिकेटिंग होना इस एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब है कनेक्ट होना इस एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब है नेटवर्क बनाना इस एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब यह है लोगों का दिल जीतना लोगों की फीलिंग्स भावनाओं को इमोशंस को समझना दिस इज वाट एक्स्ट्रोवर्ट मीन्स सो दैट इफ यू वॉन्ट टू बी एक्सट्रोवर्ट अगर आप एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं तो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स एंड यू हैव टू जस्ट इंप्लीमेंट इन योर लाइफ इट्स मस्ट फॉर यू सबसे पहले द फर्स्ट नंबर द फर्स्ट नंबर द टिप नंबर वन बी अप्रोचिंग अप्रोचिंग बनिए इंतजार मत करिए कि कोई मुझसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहे बल्कि आप पहले ही कह दो अप्रोच आप, आप सबसे पहले करने की कोशिश करिए इट इज टिप नंबर फर्स्ट जैसे उस भुट्टे वाले के पास मैं गया और भुट्टा वाला बोला जी वेलकम सर कौन सा भुट्टा लेंगे भुना हुआ या उबला हुआ तो दैट फर्स्ट अप्रोचिंग हैबिट इंप्रेस्ड मी एंड दैट वॉज द लवलीएस्ट थिंग आई कुड से

एक फिनोमिना होता है ना एक पर्सनैलिटी होती है ना वो बहुत डायनेमिक वे में जाती है यू बिकम यू बिकम एक्चुअली यू नो इन द लाइम लाइट यू बिकम इन द आई व्यू यू बिकम इन द माइंड व्यू And people remember you and miss you. That is the biggest thing. You just go to somebody. आपका काम सिर्फ यही है कि ठीक है मुझे यहाँ से कपड़े खरीदने हैं लेकिन उससे एक दो सवाल कर लीजिए आप एक्स्ट्रो वर्जन आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आप किसी रिक्शे पे बैठे रिक्शे वाले चर्चा से कुछ पूछ लीजिए राइट right? आप कहीं ट्यूशन में गए हैं जो है टीचर से कुछ पूछ लीजिए दो तीन सवाल इंटरेस्टिंग सवाल तो वट दैट एक्चुअली डज विथ यू दैट डज विथ यू दैट यू स्टार्ट गेनिंग सो मच इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड यू बिकम एक्स्ट्रो इसीलिए तो कहा जाता है कि घूमो टहलो मस्त रहो मौज करो दूसरों से मिलो बातें करो अलग अलग क्षेत्र जाओ देश जाओ स्टेट जाओ राज्य जाओ डिस्ट्रिक्ट जाओ अलग अलग कंट्रीज के लोगों से मिलो दे विल एब्सोल्युटली टीच एंड टेल यू समथिंग। सो स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस सबसे पहला फॉर्मूला है बी अप्रोचिंग अप्रोच फर्स्ट देन वेट फॉर द नेक्स्ट अप्रोच गॉड ब्लेस यू आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई थैंक यू